ओके स्टूडेंट्स आइए चलते हैं और आ, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ड्रा करते हैं कैम प्रोफाइल डायग्राम राइट सो द क्वेश्चन आई हैव ऑन द बोर्ड हम उसमें से कुछ डेटा निकालेंगे और उस डेटा के हिसाब से कैम प्रोफाइल ड्रा करेंगे राइट सो अस फाइंड द डेटा ए कैम शाफ्ट विथ मिनिमम रेडियस ऑफ ट्वेंटी फाइव रिमेंबर मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम शाफ्ट इज ट्वेंटी फाइव एम एम ए कैम राइट ना कैम शाफ नहीं कैम ए कैम विथ मिनिमम रेडियस ऑफ ट्वेंटी फाइव एम एम अब अगर कैम का मिनिमम रेडियस रेडियस ट्वेंटी फाइव एम एम कह रहा है इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द बेस सर्कल तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास सबसे पहला डेटा दिया हुआ है दट इज बेस सर्कल रेडियस बेस सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास 25 फाइव एम एम राइट सो अ कैम विथ मिनिमम रेडियस ऑफ 25 फाइव एम एम रोटेटिंग क्लॉक अब कैम कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉक अगर कैम रोटेट क्लॉक हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो आ, हम थीटा ओ दैट इज आउट स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक या फिर ड्वेल है वो सब लेफ्ट साइड में हमारा जो बेस सर्कल है बेस सर्कल ड्रॉ करने के बाद सब के सब एंगल्स हम लेफ्ट साइड में ड्रा करेंगे राइट right? ओके okay. इज विद यूनिफॉर्म स्पीड इज टू बी डिजाइन टू गिव अ रोलर फॉलोअर नाउ टाइप ऑफ फॉलोअर कैसा है रोलर फॉलोअर हमारे पास एक नया डेटा है कि जो टाइप ऑफ फॉलोअर है दट इज रोलर फॉलोअर ओके एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉड मोशन डिस्क्राइब भी लो रहा है ना एक वॉल रॉड है वॉल रॉड के एंड पे रोलर फॉलोअर लगा हुआ है और उसका जो मोशन है दैट इज डिस्क्राइब बी पहला मोशन टू रेस द वॉल थ्रू फिफ्टी एम जो वॉल है उसको फिफ्टी एम एम रेस कर रहा है ड्यूरिंग वन डिग्री 50 एम एम का रेज है और 120 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम पहले 120 डिग्री में वो 50 एम एम रेज हो रहा है सो कैन आई से दैट जो हमारे पास 50 एम एम डेटा दिया है दैट इज लिफ्ट या फिर स्ट्रोक राइट ना जो मैक्सिमम ट्रैवल हो रहा है ऑफ द वॉल और वॉल ही तो हमारा फॉलोअर है राइट सो जो लिफ्ट है दैट इज ऑफ 50 एम एम फाइव जीरो फिफ्टी एम ओके okay. और कितने डिग्रीज पे थीटा ओ अब आउटस्ट्रोक वन ट्वेंटी डिग्री पे वॉल्व रेज हो रहा है ऊपर जा रहा है इसका मतलब वो हमारा आउटस्ट्रोक कैरी आउट कर रहा है आउटस्ट्रोक कितने डिग्री का है वन ट्वेंटी डिग्रीज राइट ओके मूविंग फॉरवर्ड द सेकेंड मोशन इज टू कीप द वॉल फुल्ली रेस्ड अब ऊपर जाने के बाद फुल्ली रेज हो जाएगा फुल्ली रेस्ट थ्रू नेक्स्ट थर्टी डिग्री और उसके अगले थर्टी डिग्री तक वो वही रहेगा मतलब कि जो ड्ल्थ पोजिशन है वो नेक्स्ट थर्टी डिग्री है थर्ड right. मोशन है टू लोअर द वॉल ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री उसके अगले 60 डिग्री द वॉल इज कमिंग डाउन और अगर द वॉल इज कमिंग डाउन, इसका मतलब कि वॉल इट रिप्रेजेंट्स रिटर्न स्ट्रोक एंड मोशन इज टू हो जाएगा और क्लोज कब तक रहेगा 150 डिग्री जो बचा हुआ 150 डिग्री है 360. डिग्री की टोटल रोटेशन में राइट right? सो so, क्या मैं कह सकता हूँ कि 150 डिग्री में अगर वो क्लोज रह रहा है इसका मतलब कि हमारा जो ड्ल्थ पोजीशन है दैट इज रिमेनिंग 150 डिग्री राइट ओके वी हैव दिस मच ऑफ डेटा द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 20 एम एम नाउ अब हमारे पास रोलर है फॉलोअर रोलर है तो रोलर का डायमीटर भी है राइट right? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि रेडियस ऑफ रोलर Remember, हमें क्या दिया है डायमीटर ऑफ रोलर डायमीटर ऑफ रोलर इज ट्वेंटी हमें चाहिए रेडियस ऑफ रोलर तो रेडियस ऑफ रोलर कितना हो जाएगा 20 राइट एंड द डायमीटर ऑफ द कैम शाफ्ट जो कैम शाफ्ट है जिस शाफ्ट के ऊपर कैम माउंट है उसका डायमीटर तो डायमीटर ऑफ कैम शाफ्ट ले लेंगे डायमीटर ऑफ कैम शाफ्ट इज ट्वेंटी फाइव एम एम ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है वेन दो कंडीशन से एक द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द वॉल रॉड पासिस ऑफ द कैम शाफ्ट लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ द फॉलोअर राइट ना वॉल रॉड क्या है हमारा फॉलोअर तो फॉलोअर के एक्सिस वो कैम शाफ्ट के एक्सिस में से ही पास होता है तो क्या मैं इस पहली कंडीशन को कह दू इट इज इन लाइन कंडीशन ना मतलब कि एक्सिस का फॉलोअर ये कैम के फॉलोअर में से ही पास हो रहा है एंड ऑल्सो वी हैव टू ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम इन सेकेंड केस दैट इज द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज ऑफसेट बाई फिफ्टी एम एम लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफसेट है मतलब कि एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाई फिफ्टीन एम एम तो इसे कह देंगे हम सेकेंड केस इज ऑफसेट और कितने से ऑफसेट है फिफ्टीन एम एम राइट सो दिस डेटा वी हैव फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम और इस डेटा को यूज़ करके हमें ड्रॉ करना है कैम प्रोफाइल डायग्राम राइट ओके सो लेट अस मूव फॉरवर्ड सिंस अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है क्वेश्चन का सभी डेटा हमने निकाल के रख लिया है और 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 अच्छा एक बात यहाँ नहीं दी है और आई फॉर गॉट टू मैंशन कि ओके okay. ये जो दोनों भी टाइप ऑफ मोशन है डूरिंग आउटस्ट्रोक एंड ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक दैट इज गिवन सिंपल हार्मोनिक मोशन राइट ना ये जो आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में दिया है टाइप ऑफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हमारे पास और एक डेटा दिया हुआ है कि द मोशन डूरिंग स्ट्रोक is simple harmonic motion and during a return stroke it is again simple harmonic motion that means the follower is being raised and being lowered down with a simple harmonic motion so let us wrap the question we have all the data given and let us see how we can draw the cam profile for the given condition So, जो सबसे पहले हमें करना है दैट इज वी ही पास होगा तो हमें कैम प्रोफाइल कैसा मिलेगा राइट सो वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट केस और कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यूज प्लॉट करते हैं दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस के ऊपर हम स्ट्रोक प्लॉट करते हैं राइट ना ओके एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करने के लिए कुछ स्केल कंसीडर कर लेंगे हम लेट द स्केल इक्वल्स टू ट्वेंटी डिग्री रिप्रेजेंट्स ट्वेंटी डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सेंटीमीटर सो द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस शुड बी ऑफ कोर्स 18 सेंटीमीटर राइट ना हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है टोटल 360 डिग्री है तो ऑब्वियसली हमें 18 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा और जो वर्टिकल वर्टिकल लेंथ लेंथ है दैट शुड बी इक्वल टू लिफ्ट एंड लिफ्ट इज 50 एम mm, एम मतलब कि ये लेंथ कितनी ड्रॉ करेंगे हम फिफ्टी एम एम और हमारा जो बॉक्स है उस बॉक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे राइट सो दिस लेंथ इज फिफ्टी एम और ये किसके इक्वल है स्ट्रोक के राइट right?

स्ट्रोक इक्वल्स टू डायमीटर अगर ये टोटल तो हम डायमी कंसिडर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली सेंटर फाइंड आउट करेंगे मतलब सेंटर ऑफ द हमें सर्कल मिल जाएगा और उस सर्कल का हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हाफ पोर्सन ऑफ द सर्कल राइट सो हियर वी गेट द सर्कल समाइक दिस इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे इट विल ऐसा कुछ राइट right? सो so, अब इसके बाद गिवन कंडीशन हमें दिया है कि आउटस्ट्रोक इज ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री वन ट्वेंटी डिग्री मीन्स कितनी लेंथ वाइज हो जाएगा सेंटीमीटर राइट right? तो हम आउटस्ट्रोक रिप्रेजेंट करेंगे आउटस्ट्रोक इज ऑफ सिक्स सेंटीमीटर दट इज थीटा ओ थीटा ओ इज 120 डिग्री और लेंथ वाइज कितना ड्रॉ करेंगे हम 6 सेंटीमीटर से यहाँ हमारा आउटस्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है राइट right? उसके बाद 30 डिग्री का हमारा ड्वेल है तो 30 डिग्री के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे दिस लेंथ 1.5 में यहां हमारा ड्वेल कंप्लीट हो रहा है सो दिस इज योर ड्वेल पोजिशन उसके बाद नेक्स्ट सिक्सटी डिग्री हमारा रिटर्न स्ट्रोक है नेक्स्ट सिक्सटी डिग्री से इट कम्स समवेयर हियर तो हम थीटा आर इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री और सिक्सटी डिग्री मतलब इसकी लेंथ कितनी रखेंगे हम ऑब्वियसली थ्री सेंटीमीटर राइट समवेयर यहाँ आ जाएगा या फिर और छोटा आएगा और उसके बाद जो पूरा डवेल है दट इज ऑफ वन फिफ्टी डिग्री डेल ऑफ वन रिमेनिंग वन फिफ्टी डिग्री यहाँ हमारा रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है राइट नाउ लेट अस गिव मी सम नेम्स जीरो पे हमारा आउटस्ट्रोक चालू हुआ कैपिटल ए पे हमारा आउटस्ट्रोक कंप्लीट हो गया बी तक डुवेल्व था कैपिटल बी से सी तक रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हो गया और सी से फॉरवर्ड डी तक हमारा रिमेनिंग डुवेल्व है राइट नाउ. ओके, व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे कंप्लीट करना है पीछे हमने डिस्कस किया है मैंने पूरा वीडियो एक उसके ऊपर बनाया था नाउ बहुत जल्दी जल्दी अगर मैं बोलूं तो सीधा सीधा सेमी सर्कल को इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा उसके बाद जितने पार्ट्स में सेमी सर्कल को डिवाइड कर रहा हूं उतने ही पार्ट्स में आउटस्ट्रोक को डिवाइड करूंगा सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में रिटर्न स्ट्रोक को भी डिवाइड करूंगा राइट से केस अगर मैं सेमी सर्कल को दैट इज 180 डिग्री को सिक्स नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो ऑब्वियसली मुझे एंगल्स 30 डिग्री थर्टी डिग्री ये एक थर्टी 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 एंड दिस वन मुझे कितने पार्ट्स मिलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स राइट जॉइन देम थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री राइट ना वन एट्टी डिग्री और अगर मैं सिक्स नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे थर्टी थर्टी डिग्री के ईच पार्ट मिलेंगे राइट सो दिस पॉइंट इज योर जीरो पॉइंट नेम देम एज वन टू थ्री फोर फाइव

फाइव एंड सिक्स सिक्स पॉइंट एंड कैपिटल ए पॉइंट को इन साइड हो रहे हैं राइट नाउ हमने कहा कि उतने ही पार्ट्स में हम रिटर्न स्ट्रोक को भी डिवाइड करेंगे तो रिटर्न स्ट्रोक की टोटल लेंथ 60 डिग्री मतलब कितना लेंथ निकाला हमने 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर को अगर हम सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच इंटरवल इंटरवल इज ऑफ और ईच पार्ट इज ऑफ 0.5 सेंटीमीटर राइट ना 5 एम एम right? mm. तो फाइव एम एम फाइव एम एम फाइव एम एम फाइव फाइव एंड दिस वन फाइव नेम देम बी एंड सिक्स डैश आर को हमने जो पॉइंट वन टू तो, थ्री फोर जितने भी पॉइंट लिए हैं वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे राइट वन नंबर से वर्टिकल लाइन टू से वर्टिकल लाइन थ्री से वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन फ्रॉम फोर वर्टिकल लाइन फ्रॉम फाइव वर्टिकल लाइन फ्रॉम सिक्स डैश से वर्टिकल लाइन फाइव डैश से वर्टिकल लाइन फोर डैश से वर्टिकल लाइन थ्री डैश से वर्टिकल लाइन टू डैश से वर्टिकल लाइन वन डैश से वर्टिकल लाइन एंड जीरो डैश से वर्टिकल लाइन राइट हमारे पास आउट To capital हमारा आउटस्ट्रोक आउट इज डिडेड इन टू सिमिलरली ये जो टोटल थीटा आर इज रिटर्न कैपिटल बी टू कैपिटल सी इज रिटर्न स्ट्रोक एंड सिक्स नंबर ऑफ पार्ट राइट ओके नाउ ये जो डिविजन है ऑन सेवी सर्कल वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हम कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजन लाइन फ्रॉम पॉइंट टू हॉरिजोंटल लाइन फ्रॉम पॉइंट थ्री हॉरिजोंटल लाइन फ्रॉम फोर हॉरिजोंटल लाइन फ्रॉम फाइव एंड ऑफकोर्स हॉरिजोंटल लाइन फ्रॉम सिक्स राइट नाउ वन नंबर की लाइन और वन नंबर की लाइन का जहां इंटरसेक्शन है दैट विल भी वन ऑफ माई पॉइंट ऑफ द कोर राइट सिमिलरली टू नंबर से वर्टिकल लाइन और टू नंबर से हॉरिजॉन्टल लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल गिव मी वन पॉइंट सिमिलरली हम हर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट ये पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट मिलेगा हमें ये पॉइंट मिलेगा उसके बाद यहां तो हमारा सिक्स और सिक्स डैश अगेन हियर 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 समवेयर हियर एंड ऑन दिस पॉइंट राइट हम इन्हें कुछ नाम दे, दे देंगे सो दिस पॉइंट इज ए पॉइंट स्मॉल बी सी डी ई एंड एफ सिमिलरली एफ डैश ई डैश डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश एंड ऑफकोर्स ये हमारा जीरो डैश है राइट नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट्स राइट ये जो पॉइंट्स है इन्हें हम फ्रेंच कर्व के हेल्प से ज्वाइन कर देंगे यहां से कर्व हमारा चालू हुआ ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया एफ से एफ डैश तक इट वॉज इन डिशन रिमेन इन द सेम पोजिशन देन इट केम बैक डाउनवर्ड्स और फाइनली अगेन आगे का पूरा हिस्सा डुवेल्व था राइट सो दिस ब्लू लाइन और द कर फ्रॉम जीरो ए बी सी डी एफ एफ डैश ई दिस टोटल इज द डिसमेंट कर राइट सो दिस इज योर displacement curve right? So we have completed here the displacement diagram, right? So this is your displacement diagram, right? और ये method हमने पहले के videos में बहुत अच्छे से discuss किया है, तो in case अगर अभी समझ में ना आए, तो वो पिछला video आप देखिए, right? Now

सर्कल एंड दिस सर्कल इज बेस सर्कल बेस सर्कल का रेडियस हमें मालूम है द प्रॉब्लम इज दैट बेस सर्कल्स रेडियस इज 25 फाइव एम एम सर्कल का रेडियस 25 फाइव mm एम है राइट right? नाउ हमारा फॉलोअर जो है दैट इज अ रोलर टाइप फॉलोअर रोलर का डायमीटर इज ओके रोलर का डायामीटर रेडियस ऑफ द रोलर हमें डायामीटर uh, दिया था रेडियस ऑफ द रोलर इज टेन एम एम राइट ना प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी गलती कर दी है मैंने सो रेडियस ऑफ द रोलर इज टेन एम एम राइट नाउ आई नो दैट द सेकेंड थिंग आई हैव टू डू इज मुझे जो ट्रेस पॉइंट है उस ट्रेस पॉइंट को प्लॉट करना है राइट right? नाउ अगर मैं कहूँ कि कैम शाफ्ट का सेंटर यहाँ है और इसे कुछ नाम दे देंगे हम पॉइंट ओ राइट और इफ द फॉलोअर्स एक्सिस पासिस थ्रू द कैम शाफ्ट तो इसका मतलब जो फॉलोअर होगा वो फॉलोअर एक्सिस यही होगा राइट right? नाउ जो फॉलोअर है दट इज अ रोलर फॉलोअर रोलर फॉलोअर मतलब कि जो कॉन्टेक्ट में रोलर रहेगा वो यही होगा राइट और रोलर का जो डायमीटर है दैट इज 20 एम एम तो रोलर का रेडियस जो है दैट इज 10 एम एम राइट ना डायमीटर कितना दिया है हमें प्रॉब्लम में ट्वेंटी एम रेडियस ऑफ द रोलर इज टेन एम मतलब कि मुझे इस रोलर को ड्रॉ करने के लिए एक सर्कल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा राइट ना द सर्कल विल रिप्रेजेंट द रोलर फॉलोअर राइट नाउ आई हैव टू अ प्राइम सर्कल राइट सो ड्रॉ अ प्राइम सर्कल एंड रेडियस ऑफ द प्राइम सर्कल इज दैट इज रेडियस ऑफ प्राइम सर्कल प्राइम सर्कल का रेडियस कितना होगा बेस सर्कल का रेडियस दट इज रेडियस ऑफ बेस सर्कल प्लस रेडियस ऑफ रोलर का रेडियस कितना है ट्वेंटी फाइव एम एम और रोलर का रेडियस कितना है टेन एम एम सो द रेडियस एम तो कम्पास में हम थर्टी फाइव एम एम लेंगे थर्टी फाइव एम एम को विद सेम सेंटर ऑफ द कैम प्राइम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे द सर्कल्स रेडियस The circle is your prime circle. So this is your prime circle and the radius of prime circle is 35 mm. Right now, यहाँ तक तो आ गए। अब हमें roller सबसे पहले निकाल लेना है कि रोलर है कहां पे राइट सो द रोलर का रेडियस ये पॉइंट है दैट इज द ट्रेस पॉइंट और जो रोलर है दैट रोलर एग्जैक्टली लाइज एट दिस पोजिशन एंड द फॉलोअर इज दिस वन राइट दिस पॉइंट इज योर ट्रेस पॉइंट ट्रेस पॉइंट को हम नाम दे, दे देंगे जीरो राइट ना सेंटर ऑफ द कैमिस

अगला जो थर्टी डिग्री है दिस पॉइंट ये तो पॉइंट हमारा कैपिटल ए मिल गया एंड अगला जो थर्टी डिग्री है दैट थर्टी डिग्री इज योर डेल्व उसके बाद अगला सिक्सटी डिग्री इज योर रिटर्न स्ट्रोक अगला सिक्सटी डिग्री रिटर्न स्ट्रोक है मतलब कि वन ट्वेंटी थर्टी थर्टी वन एटी ओके ये जो है वन ट्वेंटी एंड थर्टी वन फिफ्टी और सिक्सटी थीटा आर फिफ्टी ओके okay, ये यही होगा और अगला जो थर्टी डिग्री है दिस मच इज योर रिटर्न स्टॉक दैट इज थीटा आर हमें पॉइंट मिल जाएगा पॉइंट कैपिटल सी एंड फ्रॉम सी टू दिस पॉइंट ये पूरा का पूरा हमें डोल देगा राइट right? नाउ यहां एक बात ध्यान रखिए कि जब फॉलोअर हमारा नाइफ एज फॉलोअर था तो नाइफ एज फॉलोअर में हमने ये जो पॉइंट्स प्लॉट किए थे दे वे ऑन बेस सर्कल राइट ना जब भी नाइफ एज फॉलोअर रहेगा तो हम जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे वो बेस सर्कल के ऊपर प्लॉट करेंगे लेकिन जब भी रोलर फॉलोअर रहेगा तो रोलर फॉलोअर के अंदर जो हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे दो पॉइंट्स विल बी ऑन प्राइम सर्कल राइट इसलिए प्राइम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं राइट नाउ अब थीटा ओ एंड थीटा आर दैट इज आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक को हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया है तो जो हमारा कैम प्रोफाइल डायग्राम है वहां भी सिक्स पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे राइट आउट स्ट्रोक हमारा सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया है आउट स्ट्रोक इज ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री मतलब कि वन ट्वेंटी डिग्री को जब हम सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच डिविजन विल बी ऑफ ट्वेंटी डिग्री राइट ना सो so, कंपास में ट्वेंटी डिग्री मार्क कर लेंगे और उसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे किस पे द प्राइम सर्कल राइट ना ये जो डिविजन है ये जो मार्क कर रहे हैं हम प्राइम सर्कल पर कर रहे हैं इनकेस अगर फॉलोअर नाइफ एज फॉलोवर होता है तो हम बेस्ट सर्कल के ऊपर प्लॉट करते हैं राइट ना क्योंकि प्राइम सर्कल और बेस्ट सर्कल इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोअर सेम ही होता है राइट ओके सो द फर्स्ट डिविजन फर्स्ट डिवीजन को हम नाम दे देंगे पॉइंट वन राइट द सेकेंड सिमिलरली ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी डिग्री थर्ड ट्वेंटी डिग्री फोर्थ ट्वेंटी डिग्री फिफ्थ एंड ट्वेंटी डिग्री सिक्स इन्हें हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे अब सेंटर से ही ज्वाइन करेंगे एक तो डिविजन्स हमने लिया है प्राइम सर्कल के ऊपर और उसके बाद सेंटर से ज्वाइन करेंगे सेंटर से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ इन लाइन अगर इन लाइन ना होता तो हम सेंटर से ज्वाइन ना करते हम मार्क प्राइम सर्कल पे ही करते लेकिन सेंटर से ना ज्वाइन करते हुए एक ऑफसेट सर्कल ड्रॉ करते और ऑफसेट सर्कल को टेंजेंशियल ड्रॉ कर ड्रॉ करते राइट वो तो सेकंड केस है उसमें हम देख लेंगे राइट सो so, इन्हें हम नाम दे देंगे पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव 0.6 सिमिलरली थीटा आर को हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया है तो यहाँ भी सिक्स पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे टोटल थीटा आर इी डिग्री सो ईच डिवीजन इज ऑफ टेन डिग्रीज सो टेन डिग्री टेन डिग्री एंड द रिमेनिंग अब इन्हें नाम दे देंगे बी डैश बी एंड सिक्स डैश सिक्स डैश आर सेम पॉइंट सो सिक्स डैश फाइव डैश फोर डैश थ्री डैश टू डैश वन डैश एंड जीरो डैश जीरो हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे एक्सटेंड कर देंगे सेंटर से ज्वाइन करेंगे एक्सटेंड कर देंगे सेंटर से ज्वाइन करेंगे एक्सटेंड करेंगे सेंटर से ज्वाइन करेंगे एक्सटेंड करेंगे सेंटर से ज्वाइन करेंगे एक्सटेंड कर देंगे सिमिलरली ये जो लाइन्स हैं इन्हें भी हम एक्सटेंड कर देंगे राइट एक्सटेंड इट एक्सटेंड इट एक्सटेंड कर देंगे एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड करेंगे और इसे भी एक्सटेंड करेंगे राइट उंड म्यूजिकल हवन करेंगे हवन करेंगे राइट ओके सो एक्सटेंड करेंगे Now, forward, अब हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से डिस्टेंसेस काउंट करेंगे वन टू ए वन टू ए कंपास में हम डिस्टेंस लेंगे पॉइंट वन पर रखेंगे और ए पॉइंट को मार्क करेंगे तो यहां कहीं पे हमें पॉइंट ए मिलेगा ए पॉइंट मिलने के बाद हम ए पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करेंगे विथ सर्कल द रोलर सर्कल ए पॉइंट से रोलर सर्कल ड्रॉ करेंगे और रोलर सर्कल का हमारा रेडियस uh, कितना रहेगा ऑफ कोर्स एम एम राइट उसके बाद टू पॉइंट टू से बी मार्क करेंगे टू पॉइंट से बी कहीं पर हमें पॉइंट बी मिल जाएगा सिमिलरली थ्री टू सी थ्री से सी सी पॉइंट से समवेयर यहां मिलेगा फोर टू डी फोर टू डी डी पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा 5 टू ई e, फाइव पे के ई फाइंड आउट करेंगे ई पॉइंट विल बी समवेयर हियर सिमिलरली वी विल गेट पॉइंट एफ राइट जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं उस पॉइंट्स पे हम हमारा रोलर ड्रॉ करेंगे रोलर सर्कल का रेडियस कितना रखा है हमने टेन एम एम राइट सो टेन एम एम विथ सेंटर बी टेन एम एम्स रेडियस सर्कल विथ सेंटर सी टेन एम एम सर्कल रेडियस विथ सेंटर डी सिमिलरली सर्कल द सेम सर्कल विल बी ड्रॉन हियर राइट नाउ, अब हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहां इस बेस से ऐसा कर्व ड्रॉ करना है जो हर सर्कल को कहीं ना कहीं टच करे राइट right? सो so, यहां से इट मीन कि ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ऑफ दिस एक्सटेंडेड लाइन और सर्कल वहीं टच होना चाहिए इट में टच एट एनी पॉइंट ऑन द रोलर ऑन द सर्कल तो सर्कल कुछ यहां से चालू होगा बहुत अच्छे से फ्रेंच कर्व यूज कीजिए यहां से, से यहां टच हो रहा है उसके बाद कहीं यहाँ टच होगा इट विल मूव समवेयर हियर व्हेन वी यूज फ्रेंच कर वी विल गेट वेरी फाइन कर राइट सो दिस इज द कर ऑफ द कैम्प प्रोफाइल इन आउट स्ट्रोक सिमिलरली अब बी से एफ डैश बी से एफ डैश हमें यहाँ कहीं मिल जाएगा एफ डैश सिमिलरली फाइव डैश से दिस फाइव डैश से ई डैश तो फाइव डैश पे रख के ई डैश प्लॉट कर लेंगे हमें ई डैश मिल जाएगा यहाँ कहीं आ, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश और यहाँ तो हमारा जीरो है ही तो यहाँ एक सर्कल तो ऐसे ही आ जाएगा राइट नाउ इसी सर्कल को आगे सर्कल विथ सेंटर एफ डैश एंड रेडियस इक्वल्स टू टेन एम एम सेम सर्कल हीयर सेम सर्कल हीयर सर्कल यहाँ आ जाएगा सर्कल यहाँ आ जाएगा और उसके बाद वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा राइट ना सर्कल में ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर जा सकते हैं सो डोंट बोदर अबाउट दैट कि ओवरलैप हो रहे हैं राइट अब सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे एक कर वैसा ड्रॉ करेंगे जो हर एक सर्कल को हमें टच करते हुए मिले विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर राइट और उसके बाद सिंस इस पॉइंट से इस पॉइंट से यहाँ तक हमारा ड्वेल है तो ये आप सर्कल ड्रॉ करेंगे राइट कंपास में डिस्टेंस लीजिए फ्रॉम टू दिस पॉइंट और उसके बाद उन्हें ज्वाइन कर लिए विद द हेल्प ऑफ कंपास कम्प्लीट सर्कुलर राइट यू विल गेट समवाट दिस पार्ट और उसके बाद जो कर्व है उसे यहाँ से ऐसे पास कर दो राइट ओके सो ओके ये जो सर्कल है यहाँ नहीं आएगा इट विल कम समर हेयर यहाँ आ जाएगा राइट right? ऐसे ये जो कर्व है ऐसे आएगा कुछ और यहां से हमारा कैम प्रोफाइल राइट सो फाइनली हमें यह कॉर मिलेगा दिस कॉर दिस कर्व इज योर कैम प्रोफाइल कर्व राइट

हाउ यू कैन ड्रॉ इफ द सेम एक्सिस ये जो एक्सिस है वह अगर सेंटर से फिफ्टीन एम एम ऑफसेट है राइट right? ऑफसेट हम उस तरफ लेंगे राइट right? अगर फिफ्टीन एम एम ऑफसेट है तो क्या प्रोफाइल कैसा होगा और हाउ विल वी ड्रा इट राइट सो लेट एस मूव फॉरवर्ड नाउ द फर्स्ट थिंग जो हमें करना है दट इज ड्रॉ द बेस सर्कल हमें मालूम है कि बेस सर्कल जो है बेस सर्कल का रेडियस इज ट्वेंटी फाइव एम एम सो ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव एम एम दिस सर्कल रिप्रेजेंट योर बेस सर्कल बेस सर्कल का कुछ एक्सिस यहां होगा राइट सो दिस इज योअर बेस सर्कल बेस्ट सर्कल ऑफ

प्राइम प्राइम सर्कल सर्कल का रेडियस हमने कैलकुलेट किया है राइट ना सो दिस सर्कल इज प्राइम सर्कल प्राइम सर्कल का रेडियस हमने 35 कैलकुलेट mm किया था राइट right ना थोड़ी देर पहले ही अब उसके बाद हमें रोलर रिप्रेजेंट करना है द रोलर और द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर जो फॉलोअर है वो इज uh, बाय फिफ्टीन एम एम है ना वो फिफ्टीन एम एम से ऑफसेट है तो यहाँ से फिफ्टीन एम एम हम ऑफसेट कर देंगे वी विल ऑफसेट इट बाई फिफ्टीन एम एम दिस इज योर फिफ्टीन एम एम ऑफसेट डिस्टेंस और यहाँ से हम पैरल लाइन टू दर्टिकल डायामीटर ड्रॉ कर लेंगे राइट सो दिस डिस्टेंस इज योर ऑफसेट वन उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे हमारा कैम का कैम के शाफ्ट का सेंटर दैट इज ओ एंड दिस पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे राइट एंड वी नो दैट दिस पॉइंट इज योर ट्रेस पॉइंट एंड दिस विल बी योर रोलर राइट ना ये हमारा 15 एम mm हम यहाँ दिखा देंगे फिलहाल के लिए ये तो हमें मालूम है कि फिफ्टीन एम एम सो एम रबिंग इट एंड और लेट इट बी ये हमारा फॉलोअर हो जाएगा राइट right? नाव इज येस पॉइंट एंड ट्रेस पॉइंट जो है दट इज द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट दट इजीरो हम दट रिप्रेजेंट ऑफसेट सर्कल अगर ऑफसेट फिफ्टीन एम एम है तो ऑफसेट सर्कल का रेडियस कितना होगा फिफ्टीन एम एम सेंटर विथ ओ फि एम एम रेडियस लेकर के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो इस लाइन को है वो टेंजेंशियली ही टच करेगा राइट सो दिस सर्कल इज योर ऑफसेट सर्कल एंड द ऑफसेट सर्कल्स रेडियस इज 15 एम राइट नाउ अब यहां तक अगर हम आ गए तो हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है दैट इज आउटस्ट्रोक आउटस्ट्रोक इज ऑफ 120 डिग्री तो आउटस्ट्रोक वन ट्वेंटी डिग्री हम यहां कहीं प्लॉट कर लेंगे वी विल गेट समवेयर यर दिस इज योर आउटस्ट्रोक थीटा ओ उसके बाद थर्टी डिग्री आउटस्ट्रोक ए पे कंप्लीट हुआ कैपिटल ए पे ए पॉइंट उसके बाद थर्टी डिग्री हमारा डवेल्थ था तो हमें कैपिटल बी थर्टी डिग्री यहाँ मिल जाएगा उसके बाद का सिक्सटी डिग्री हमें वी विल गेट समर हियर सिक्सटी डिग्री यहाँ कहीं मिलेगा ये सिक्सटी डिग्री हमें पॉइंट सी एंड दिस एंगल इज द रिटर्न स्ट्रोक दट इज थीटा आर और उसके बाद जो अगला 150 डिग्री है दैट इज डेल्व वन डिग्री ऐसे ही मिल जाएगा हमें राइट right? नाउ ये जो डिविजन्स लिए हैं हमने कहाँ लिया प्राइम सर्कल के ऊपर जब भी रोलर फॉलोअर रहेगा तो ईच डिविजन हैज टू तो बी टेकन ऑन प्राइम सर्कल राइट right? अब थीटा ओ एंड थीटा आर को भी हम उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जितने में हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में uh, डिवाइड किया राइट सो थीटा ओ 120 डिग्री 120 डिग्री को सिक्स पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो हमें 20 ट्वेंटी uh, डिग्री का इच डिवीजन uh, मिलेगा राइट right? सो so, 20 डिग्री मार्केट 20 डिग्री मार्केट 20 डिग्री मार्केट 20 डिग्री 20 डिग्री एंड दिस वन ट्वेंटी डिग्री उन्हें नाम दे, दे देंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड ए पॉइंट एंड सिक्स पॉइंट को हम कोइंसाइड कर देंगे राइट right? ना ए पॉइंट एंड कैपिटल सिक्स आर सॉरी कैपिटल ए एंड सिक्स आर कोइन साइडिंग राइट नाउ अगर ऑफसेट ना होता तो हमने इन जो डिविजन प्लॉट किए हैं इन डिविजन को हमने सेंटर से ज्वाइन किया था राइट right? नाउ अगर ऑफसेट है तो हम ईच डिविजन से ये जो पॉइंट मार्क किए हैं यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे बट उस लाइन को हम सेंटर से ज्वाइन नहीं करेंगे बल्कि टेंजेंशियल ज्वाइन करेंगे टू द ऑफसेट सर्कल तो वन से लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट टू ऑफसेट सर्कल टू से ज्वाइन करेंगे लाइन टेंजेंट टू ऑफसेट सर्कल थ्री से ज्वाइन करेंगे टेंजेंट टू ऑफसेट सर्कल फोर से ज्वाइन करेंगे टेंजेंट टू ऑफसेट सर्कल फाइव से ज्वाइन करेंगे टेंजेंट टू ऑफसेट सर्कल सिक्स से ज्वाइन करेंगे टेंजेंट टू ऑफसेट सर्कल राइट और इन सभी लाइंस को हम एक्सटेंड कर देंगे एक्सटेंड स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड एक्सटेंडेड 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 सिमिलरली थीटा आर को भी हमें सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करना है रिटर्न इज ऑफ़ डिग्री तो ईच डिवीजन विल बी ऑफ टेन डिग्रीज सो टेन डिग्री टेन डिग्री टेन डिग्रीज टेन डिग्रीज टेन डिग्रीज एंड टेन डिग्रीज बी पॉइंट एंड सिक्स डैश आर को इन सो ये हमारा पॉइंट है सिक्स डैश फाइव डैश फोर डैश थ्री डैश टू डैश वन डैश एंड ये जीरो डैश राइट अब ईच डिवीजन से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द ऑफसेट सर्कल तो टेंजेंट पासिंग फ्रॉम सिक्स फाइव से टेंजेंट टू द ऑफसेट सर्कल इट, फोर से टेंजेंट टू द ऑफसेट सर्कल इट, थ्री से टेंजेंट टू द ऑफसेट सर्कल एक्सटेंडिड टू से टेंजेंट टू द ऑफसेट सर्कल एक्सटेंडिट वन से टेंजेंट टू द ऑफसेट सर्कल एक्सटेंड इट एंड जीरो डैश से भी टेंजेंट टू द ऑफसेड सर्कल एंड नाउ एक्सटेंडेड राइट right? अब इसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने पिछली बार किया था वन टू ए डिस्टेंस काउंट करना है वन पॉइंट पे रखना है और ए मार्क कर लेना है सिमिलरली टू टू बी बी पॉइंट मार्क कर लेंगे थ्री टू सी थ्री पॉइंट पे रख के हम पॉइंट सी मार्क कर लेंगे पॉइंट डी मार्क कर लेंगे पॉइंट ई मार्क कर लेंगे पॉइंट एफ मार्क कर लेंगे सिमिलरली सिक्स डैश टू एफ डैश सिक्स डैश पे रख के एफ डैश पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे एफ डैश सिमिलरली ई डैश बी डैश सिमिलरली यहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करते जाएंगे हमें कहीं पे मिलेगा ओके ई डैश यहाँ हमारा डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश और जीरो डैश तो यही है राइट right? नाउ जो हमें पॉइंट्स मिले हैं ए बी सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्माल सी और एफ डैश ई डैश ई डैश इन सब को सेंटर ऑफ द रोलर कंसिडर करके रोलर को प्लॉट करेंगे मतलब कि रोलर को ड्रॉ करेंगे रोलर का रेडियस टेन एम एम सो ड्रॉ अ सर्कल विथ टेन एम एम रेडियस तो हमें रोलर कहीं यहीं मिलेगा रोलर कहीं यहाँ मिलेगा रोलर यहाँ मिलेगा रोलर यहाँ मिलेगा सेंटर ई रोलर ऑफ टेन एम एम रेडियस सेंटर एफ ऑफ रोलर टेन एम एम रेडियस सेंटर एफ डैश विथ रोलर टेन एम रेडियस ई डैश विथ रोलर टेन एम एम रेडियस डी डैश रोलर टेन एम एम सी डैश टेन एम एम बी डैश टेन एम एम ए डैश टेन एम एम और सी डैश ऑबियसली हमें ऐसा ही मिलेगा इसी पॉइंट पे राइट right? नाव जैसे पिछली बार हमने किया था ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंच कर ड्रॉ अ कर टचिंग ईच सर्कल एट सम तो जहां जहाँ, जहाँ टच करेगा वहाँ से एक कर पास कर देंगे हम हमें जो कर मिलेगा दैट विल गिव मी कैम प्रोफाइल राइट नाउ एफ डैश से सॉरी uh, एफ से एफ डैश तक ड्वेल है तो हम सेंटर पे रख के यहाँ से एक कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ से यहाँ तक एक कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे दैट विल रिप्रेजेंट द ड्वेल और उसके बाद अगला जो रिमेनिंग पोर्शन है 150 डिग्री का तो 150 डिग्री तो हमारा है तो वो कर हमें यही यह मिलेगा तो हमारा जो एक्चुअल कर प्रोफाइल डायग्राम है विल लुक सम लाइक दिस सो This is your cam profile. This curve is cam profile, right? And the diagram is cam profile diagram, right? So

Thank you.